हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में। मेरा नाम है आशीष। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो क्लासेस चल रही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अभी हमारी क्लासेस कंटिन्यू है। तो दोस्तों, पिछली बार हमने जो पढ़ा था वो हमारा फार्मूला था सेक्शन फार्मूला, जो कि हिंदी में उसको विभाजन फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ेंगे द एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम ट्रायंगल का जो है एरिया कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ड्राइव नहीं करेंगे, डायरेक्टली फार्मूला लिखेंगे। उसको आपको याद करना पड़ेगा वो फार्मूला, और उसको मैं ट्रिक बताऊंगा कि उसको कैसे आपको याद करना है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। फिर उसके आगे फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या है, सपोज करो ये एक ट्रायंगल है C, S3, Y3। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्रायंगल है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका फार्मूला है 1/2। ठीक है, X1 Y2 माइनस Y3। ठीक है, प्लस X2 Y3। Y2 यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे Y3 आएगा, Y3 माइनस Y3 आ गया, यहाँ Y1 आ जाएगा, प्लस X3 Y3 ये आ चुका है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा Y1, और Y1 आ गया तो माइनस Y3। ये इसका ट्राइंगल का इसका एरिया होता है। ठीक है, ABC X1 Y1 X2 Y2 X3। राइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखते हैं 1/2 क्या एक्स लिख लो Y माइनस Y। ठीक है, प्लस X Y माइनस Y। ठीक है, प्लस X Y माइनस। इतना हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे करो 1, यहाँ पे करो 2, और यहाँ पे करो 3। राइट, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 के बाद 2, और यहाँ पे 3। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 3। अब 3 है, अब यहाँ पे कितना आएगा 1। X3 है, यहाँ पे कितना आएगा 1, और यहाँ पे कितना आएगा 2। ऐसे इसको याद करना है। पहले X लिख लो, Y माइनस Y, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ऐसे इसको करना है। ये सीक्वेंस है, ये मतलब सीक्वेंस ही चल रहा है। ठीक है, इसको ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर डालने वाली चीज़ नहीं है, सीक्वेंस ही चल रहा है 1 2 3। ठीक है, अभी 1 आ गया तो यहाँ पे 2 आएगा, या 2 आ चुका है तो यहाँ पे 3 आ गया, या 3 आ चुका है तो 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 2 आ चुका है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 आ चुका है, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ चुका है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस है, इससे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है वाली बात नहीं है, ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने वाली बात। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद कर लो। अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट हैं 10.4, 6.4 और 10 और 8.6। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके हमें इसका हमें एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 x, इसको डाल लो X1 Y1 X2 Y2 X3
है और एक्स वन कितना है टेन, वाई टू कितना है सिक्स, माइनस वाई थ्री कितना है फोर, ठीक है, प्लस एक्स टू कितना है एट, एक्स टू अगर वाई थ्री, वाई थ्री माइनस वाई थ्री फोर, माइनस वाई वन कितना है फोर, ठीक है, प्लस एक्स थ्री सिक्स, एक्स थ्री सिक्स हो गया, और वाई वन कितना, वाई वन फोर माइनस वाई टू सिक्स, वन बाई टू टेन, सिक्स माइनस फोर कितना हो जाएगा टू, प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस का टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिक्स इंटू माइनस का टू, वन बाई टू ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व, वन बाई टू ये कितना हो जाएगा एट, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दो से फोर, ये हो जाएगा फोर यूनिट, फोर यूनिट, ऐसे इसका एरिया फाइंड करोगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं, हाँ और एक चीज़ कि मतलब जो हमारी नेक्स्ट मतलब जो लास्ट एक्सरसाइज है वो इस फॉर्मूले से पूरी सॉल्व हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेशन ख़त्म होता है, हमारा कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज आप लोग खुद ही सॉल्व करें, अगर जो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे वीडियो पर आके उस पर कमेंट करें, ठीक है, कि हमें कौन सा क्वेश्चन नंबर किस में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसके लिए आगे वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो अभी तक के लिए बस इतना ही। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।